भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। किसान कल्याण मेले में आखिर क्या बोल गए विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी व रामेश्वर सिंह। अभोली विकास खंड के बीआरसी परिसर में चार साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत किसान कल्याण मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सरकार के चार सालों में कराए गए सभी कार्यों, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, पशु बीमा योजना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण सड़क, किसान सम्मान निधि, किसान पेंशन योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना आदि की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि विगत 60 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ था वो सभी कार्य मात्र 4 वर्षों में परम आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व ने कर दिखाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्णमासी पंकज ने कहा, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए किसी सोर्स और जुगाड़ की जरूरत नहीं है। सभी विभाग के सारे लाभ ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन पंजीकरण कर आगे आओ आगे पाओ के तहत आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सभी योजनाएं पारदर्शी तरीके से संचालित हो रही हैं और सभी पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन कृषि सलाहकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने किया तथा उपस्थित किसानों को कृषि की तकनीकी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी कुमार, उद्यान विभाग के सुभाष सिंह, सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे, वीरेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। कुछ लाभार्थी किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पुरुषोत्तम पांडे, शिव शंकर, अमृतलाल, कैलाश, धर्मेंद्र कुमार, राम नरेश, संजीव कुमार व इसी तरह कुल 15 किसानों को जो कृषि पशुपालन एवं उद्यान के लाभार्थी थे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अभोली विकास खंड के बीआरसी परिसर में चार साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश कार्य के तहत किसान कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई गई, योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें लाभार्थी किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया, खेती संबंधी तकनीकी जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम जिले के सभी विकास खंडों के विकास खंड परिसर में आज ही के दिन आयोजित किया गया था। आज अभोली विकास खंड में विधायक भदोही श्री माननीय रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक पूर्णमासी पंकज जी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह जी एवं उप कृषि निदेशक के अलावा उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, बाल विकास परियोजना आदि विभागों द्वारा वहां कार्य स्टॉल लगाए गए और लोगों ने अपने अपने विभाग की जानकारी लोगों को दिया। अब ये चक्र चलता रहेगा, एक भरते रहेंगे, एक से खाद निकलती रहेगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी केचुआ छाड़ने की। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप एक प्लास्टिक बिछा दीजिए जमीन पर, उसमें 1.5 फीट ऊंचा गोबर रख दीजिए, वो 5-7 दिन पुराना हो जाए केचुआ उसमें छोड़ दीजिए, बशर्ते छायेदार स्थान पर हो, नमी कम पड़े तो आप पानी का छिड़काव कर दीजिए, आपकी खाद वो केचुए तैयार कर लेंगे। इतना सरल ढंग से तैयार हो जाती है, उसकी तरह कोई भी जैविक खाद इस दुनिया में नहीं है। आज दुकानों पर जैविक खाद के नाम पर जो आपके यहां मिलता है वो क्या होता है, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए बोरी देते हैं 40 किलो की। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।